सम्राट। उल्किट, कैसे सही? वो ठीक तो है ना? काको, सही की सर्जरी हो गई है। लेकिन अभी कुछ देर उसे ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखना होगा। उसकी उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। अरे देवा, सही को अभी तक होश नहीं आया है। काको, उल्किट, सही अब कैसी है? ये कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं थी काको। अक्सर ऐसे केसेस में ऑपरेशन के बाद पेशेंट को होश आने में वक्त लगता है। लेकिन काकू, आप लोग चाहे तो एक एक करके सही से मिल सकते हैं। मिजाओ, मैं मिल सकती हूँ सर। रुक जाओ विराट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अंदर जाना सही को अच्छा लगेगा। मेरी बच्ची, सही क्या हालत हो गई भगवान? तुमने बोला था ना सही, कल मुझे कल से सारी मुसीबतें हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था तुम ऐसी मुसीबत में फंस जाओगी। एक बार तो अपने आई से दिल खोल के बात करती, एक बार तो बता देती कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। आई शपथ, मैं तुम्हें रोक लेती सही। विराट को बहुत डर थी, लेकिन तुम्हें हम सबसे कभी दूर नहीं होने देती सही। सही मेरी बच्ची, विराट ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे सही की परवाह है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भूखे रह के तो वो अपनी खुद की तबीयत खराब कर लेगा। एक्सक्यूज मी। जी मैम। टू ग्रीन टीज प्लीज। जी। थैंक यू, ये लीजिए। ये किसके लिए लेके जा रही हो? वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा, आओ बैठो ना। मैं देविता से फोन पे बात कर रहा था। सही का ये हाल देख के उनकी खुद की हालत बहुत खराब हो गई है। देविताई सही के बहुत करीब भी तो है। वैसे सही के लिए ब्लड का इंतजाम हो गया, थैंक गॉड। तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी ले आती हूँ। तुम भी तो सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए हो ना, तो थोड़ा रिलैक्स कर लो। पत्र लिखा, मुझे भी सही की बहुत परवाह है, लेकिन मैं विराट की तरह एक्सप्रेसिव नहीं हूं कि ऐसे सबके सामने रोने लगूं। मैं समझ सकती हूँ सम्राट, सबका इमोशन जाहिर करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। हाथ की पांचों उंगलियां भी तो एक जैसी नहीं होती। हेलो, तुम्हें ग्रीन टी पसंद है? वो
पहननी पसंद है? नहीं, सेहत के लिए अच्छी होती है तो मुझे पसंद क्यों नहीं होगी। लेकिन तुम नॉर्मली कॉफी पीती हो ना, इसलिए पूछ रहा था। पहले मुझे ग्रीन टी इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छी लगने लगी है, क्योंकि आजकल विराट को ग्रीन टी अच्छी लगती है। विराट प्लीज ये सोचने की गलती मत करना कि तुम यहां पे कोई तमाशा करोगे, ऊंची आवाज में बात करोगे और मैं ये सोचकर कि हॉस्पिटल का माहौल कहीं बिगड़ ना जाए तो मैं अंदर जाने दूंगा। और अगर तुमने ऐसा किया विराट, तो हॉस्पिटल के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां के स्टाफ और सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगा। देखो विराट, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ सई की परवाह है और मैं नहीं चाहूंगा कि उसे जरा सी भी तकलीफ या स्ट्रेस पहुंचे। सई को ठीक होने के लिए शांति और सुकून का माहौल चाहिए और मैं वो बिगड़ने नहीं दूंगा विराट। हाँ, परिवार के कुछ लोग जो सई से सच्चा प्यार करते हैं, जिन्हें उसकी फिक्र है, उसकी परवाह है, वो चाहे तो सही से मिल सकते हैं। तुम एक काम करो ना, यहाँ आराम से अपनी खास दोस्त के साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो। वैसे कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही। प्लीज बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मैं आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ, शांति से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जो मन में आए बोलते जाएंगे। मैं एक आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको एक फाइनल टाइम समझ में आ जाए। इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि सई को कोई तकलीफ ना पहुंचे। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जो सई नहीं चाहती है। मैं उससे नहीं मिलूंगा। क्या कहा तुमने कि तुम सही से नहीं मिलोगे? पक्का तुम सही से नहीं मिलोगे? Are you sure? आप फिर से गलत मतलब निकाल रहे हो पुलकित। मैं क्यों नहीं मिलना चाहूंगा सही से? Of course मिलना चाहता हूं, लेकिन अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहती है तो मैं नहीं मिलूंगा उसे। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप टाइम टू टाइम सही के बारे में मुझे अपडेट्स दीजिए। मैं यही हूं, यही बैठा मिलूंगा मैं आपको, कहीं नहीं जाऊंगा जब तक सही पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मैं ना तो आईसीयू में एक कदम रखूंगा ना सही के रूम में। I promise. सही के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है विराट, और तुम उससे नहीं मिलना चाहते? पिछली बार जब सही हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने सही से मिलने की जिद पकड़ के रखी। इस बार भी आप मुझे अंदर मत आने दीजिएगा, मना कर दीजिए। मैं होता कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मेरी हर बात मानते हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम ये एक चीज जरूर सोचो कि सही के साथ बार बार इतने बुरे हादसे क्यों होते हैं। मुझे नहीं पता, ना ही मैं ये जानता हूं कि सही और मेरे बीच में इतनी गलत फहमियां क्यों हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, सही बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसके आसपास रहूं। इनफैक्ट वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसीलिए तो उसने मुझे बिना बताए घर छोड़ने जैसा, कॉलेज ट्रांसफर कराने जैसा बड़ा कदम उठाया। मेरी इस हरकत के लिए वो मुझे घर से भी निकाल देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही, तुम गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती हो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटने के सारे दरवाजे बंद करने होते हैं। विराट, मैंने सही को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो नागपुर में ही रहे,
मैंने सही से ये भी कहा कि वो नागपुर में ही कोई घर रेंट पे ले ले, लेकिन इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करे। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर वो इसी शहर में रहेगी तो लोग खामखा की बातें बनाएंगे, सवान परिवार को बुरा भला कहेंगे, और ये बात सवान परिवार को सहनी पड़ेगी। वो नहीं चाहती थी कि सवान खानदान की इज्जत पर दाग लगे।